मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मुख्य निर्वाचन आयोग मार्च के पहले सप्ताह में 2019 लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। न्यूज एजेंसी ANI की सूत्रों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में भी जुट गया है। आयोग ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की दिल्ली में 2 दिन तक बैठक भी की। तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग बैठक में VVPAT तथा EVM को चुनाव के दौरान चुस्त दुरुस्त रखने पर जोर दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या मशीनों को लेकर के हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अक्सर इसके कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रही हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग की पूरी कोशिश है इस बार उसे किसी आरोप प्रत्यारोप का सामना न करना पड़े। इसलिए चुनाव आयोग अभी से EVM और अन्य तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया, ताकि समय रहते शिकायतें दूर की जा सकें। इसी को देखते हुए यह बैठक भी बुलाई गई थी। 3 जून को समाप्त हो रहा मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल। बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है। हालांकि अभी तक यह संकेत नहीं मिले हैं कि चुनाव कितने चरण में होंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के चरण सुरक्षा बलों की उपलब्धता और जरूरतों पर निर्भर करेगा। क्योंकि चुनाव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है, इसलिए चुनाव आयोग सब कुछ देखते हुए कार्यक्रम घोषित करेगा। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2014 में 9 चरणों में हुए थे चुनाव। बता दें कि 2014 में चुनाव आयोग ने 5 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। पिछली बार का लोकसभा चुनाव 9 चरणों में अप्रैल और मई में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 7 अप्रैल को और आखिरी चरण की वोटिंग 12 मई को हुई थी। लेकिन इस बार के चुनाव कितने चरण होंगे, यह तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है।